पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन इस आजादी को पाने के लिए देश के लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये कहानी है भारतवासियों के संघर्ष की, वीरता के गौरव की। आजादी की वर्षगांठ ये वो दिन है जिस दिन हम अपने वीरों की वीर गाथा को याद करते हैं। इस दिन हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। सन 1857, आजादी की पहली लड़ाई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद लगातार देश में अंग्रेजों का विरोध होता रहा, लेकिन देश में पहली आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई 1857 में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती उपनिवेशवादी नीतियों और शोषण के खिलाफ इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख दी। इसकी शुरुआत हुई थी एक गोली और एक बंदूक से। बंदूक थी एनफील्ड और गोली थी बंगाल के बैरकपुर के 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे की। सिपाहियों को दी गई एनफील्ड राइफल्स के कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। कारतूस में विशेष तरह की ग्रीस का इस्तेमाल किया गया था। अफवाह थी कि इस ग्रीस को गाय और सुअर की चर्बी से तैयार किया गया है। इस कारतूस का इस्तेमाल हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावना के खिलाफ था। बैरकपुर के सिपाहियों ने इसे चलाने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857, ये वो दिन है जब बैरकपुर के सिपाहियों की परेड कराई गई, जिसमें 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी से तैयार कारतूस का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और सभी सिपाही पूरी तरह विद्रोह पर उतर आए। सिपाहियों ने बैरक में रखे हथियारों को लूट लिया और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। मंगल पांडे ने अपने ही उच्च अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। मंगल पांडे को फांसी की सजा देने के बाद कई जगहों पर विद्रोह की आग फैल गई, जिसके बाद 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कारतूस का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। मेरा नाम पुरुषोत्तम नागर है, मैं यूथ कांग्रेस का जिला महासचिव हूं। मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को 17वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।